प्रदेश भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पोहरी में विकास संवाद के जिला समन्वयक अजय यादव ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर परियोजना के गांवों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विकास संवाद द्वारा विश्व दिवस के उपलक्ष्य पर ग्राम मचा खुर्द, टपरपुरा, रामपुरा, डांगवरवे एवं जाकनोद में समुदाय को जागरूक एवं स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की गई, जिसमें समुदाय के साथ रामपुरा, मचा खुर्द, उपसिल, डांगवरवे, टपरपुरा में समुदाय के साथ बैठकें की, जिसमें समुदाय को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे हमेशा सुरक्षित रह सकें, जिसमें हमें अपने दिनचर्या का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिनचर्या में प्रतिदिन मंजन या दातुन, रोज नहाना, स्नान करना, खाना खाने से पहले एवं सोच के बाद अपने हाथों को साबुन से धोना, नाखूनों को हर सप्ताह में काटना, खाने के बर्तन में पानी को हमेशा ढककर रखना, यह हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन कार्यक्रमों में विकास संवाद के CMC सलाहकार रानी जाटव, फील्ड कार्यकर्ता सुनील शर्मा, ज्योति वर्मा, वर्षा ओझा, टीवी निवारण परियोजना के सहायक समन्वयक संजय धाकड़ तथा नरेंद्र जाटव, ब्रजेश आदिवासी हितेश जैन का विशेष सहयोग रहा। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विकास संवाद के द्वारा पोहरी ब्लॉक के 19 गांवों में हेल्थ, न्यूट्रिशन और टीवी को लेकर जो परियोजना चलाई जा रही है, उनमें हम लोगों ने सभी गाँवों में कोशिश किया है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उसके उपलक्ष्य पर गाँव-गाँव में एक तो मीटिंगें हैं समुदाय के साथ में, दूसरा रैलियां हैं जिससे लोग जागरूक हों, तीसरा निबंध प्रतियोगिता बच्चों के साथ में की गई कि वो स्वास्थ्य को क्या समझते हैं, इसी के साथ में हैंड वॉश किस तरीके से बच्चे अपने हाथों को धोएं खाना खाने से पहले, शौच के बाद, ये सारी प्रक्रियाएं हम लोगों ने की हैं। और ये हमने डांगबरवे, रामपुरा, टपरपुरा, जाखनौद, उपसिल, मचा खुर्द इन गाँव में किया है।